हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर पर मिलने वाली सब्सिडीज़ के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट फेम 2 के अंडर कितना सब्सिडी देती है, S1 और S1 प्रो दोनों ही वेरिएंट्स में आपको कितने रुपीज का सब्सिडी मिलता है, इसके साथ साथ कौन कौन सी स्टेट गवर्नमेंट कितना सब्सिडी देती है और आपको S1 और S1 प्रो की प्राइस उस स्टेट में कितनी पड़ेगी, ये सारी डिटेल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही अच्छे से कैलकुलेशन के साथ बताऊँगा ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और अगर हमारा काम और हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, लेट्स गेट गो। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी के बारे में। अब दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी देती है 15,000 रुपीज पर किलोवाट आवर लिथियम आयन बैटरी से। मतलब कि अगर S1 प्रो में लगा हुआ है 2.98 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी तो आपको 15,000 पर किलोवाट के हिसाब से आपको सब्सिडी मिलेगी 44,700 रुपीज का टोटल। और S1 प्रो में लगी हुई है 3.97 किलोवाट आवर की बैटरी तो यहाँ पे 15,000 पर किलोवाट के हिसाब से आपको मिलेगी 59,550 रुपीज की टोटल सब्सिडी फेम 2 के अंदर। ये हो गई दोस्तों फेम 2 के अंदर मिलने वाली सब्सिडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है इन दोनों ही वेरियंट्स पे आपको। अब ये आप यहाँ पे समझ लीजिए दोस्तों कि जो एक्स शोरूम प्राइस है दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर का, जैसे कि S1 की एक्स शोरूम प्राइस है 99,999 रुपीज, इसमें ये 44,700 की सब्सिडी इंक्लूडेड है। ऐसा मत समझिएगा कि अभी इसके अलग से आपको और भी सब्सिडी मिलेगी, इस एक्स शोरूम प्राइस में ही इंक्लूडेड है ये सब्सिडी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे मैन्युफैक्चरर को ये सब्सिडी देती है ना कि ओनर को व्हीकल के, तो ये सब्सिडी एक्सोरूम प्राइस में इंक्लूडेड है। वैसे ही 1,29,000 रुपीज़ 999 रुपीज़ जो S1 प्राइस है उसमें ये 59,550 रुपीज़ की सब्सिडी इंक्लूडेड है उसके एक्सोरूम प्राइस में। तो ये तो हो गई दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की फेम 2 सब्सिडी, आपको कितना ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर पे मिल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कौन सी स्टेट गवर्नमेंट कितना सब्सिडी अपने स्टेट में देती है ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पे। अब सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए दोस्तों, अभी के लिए बस महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, मेघालय, ओडिशा और असम, यही स्टेट गवर्नमेंट्स अभी के लिए अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे सब्सिडी देती हैं। अगर आप किसी और स्टेट से, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप बार बार पूछोगे कि मैं इस ओडिशा मैं आऊँ यूपी से, एमपी से या हरियाणा, किसी और स्टेट से, मेरी स्टेट गवर्नमेंट कितना सब्सिडी देती है, तो पहले मैं वीडियो में आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट अभी के लिए, अगर आप जितना मैंने नाम लिया स्टेट गवर्नमेंट के इसमें से किसी और स्टेट से हो तो अभी के लिए आपकी स्टेट गवर्नमेंट कोई भी सब्सिडी नहीं देती है। दूसरी बात दोस्तों, ये जो स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी होती है दोस्तों वो आपके सीधे बैंक अकाउंट में आती है, ये मैन्युफैक्चरर को नहीं मिलती। मतलब कि आपको एक्स शोरूम प्राइस 99,999 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा और जो स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी आपको मिल रही है दोस्तों वो आपके सीधे बैंक अकाउंट में आएगी। इसके लिए आपको आपका आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए एज ए डॉक्यूमेंट, या फिर पासपोर्ट भी चल जाएगा क्योंकि प्रूफ ऑफ एड्रेस में चाहिए। अब स्टेट की बात करते हैं दोस्तों, दिल्ली में सबसे पहले आपको बताते हैं कितनी सब्सिडी मिलती है। दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट दोस्तों आपको सब्सिडी देती है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, 5,000 की सब्सिडी पर किलोवाट आवर बैटरी कैपेसिटी पे देती है दिल्ली गवर्नमेंट, और ये सब्सिडी आपको मैक्सिमम मिल सकता है 30,000 तक रुपीज़ का। मतलब कि S1 में बैटरी कैपेसिटी लगी हुई है 3.98 किलोवाट आवर की, तो आपको 5,000 के हिसाब से यहाँ पे मिलेगा 14,900 की सब्सिडी। मतलब कि इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस हो जाएगी दोस्तों दिल्ली में, वो 99,999 से माइनस कर देंगे आप 40,900, तो इसकी प्राइस हो जाती है 85,099 रुपीज़, जो कि आप ओला के चार्ट में भी देख सकते हैं यही सेम प्राइस है। S1 प्रो में बैटरी कैपेसिटी है 3.97 किलोवाट आवर की और यहाँ पे आपको जो 5,000 के हिसाब से आपको टोटल सब्सिडी मिलेगी 19,850 रुपीज़ की, जिसके बाद इसकी जो प्राइस हो जाती है दोस्तों S1 प्रो की वो हो जाती है 1,10,149 रुपीज़ की। उसके बाद दोस्तों गुजरात की बात करते हैं, गुजरात गवर्नमेंट दोस्तों आपको मैक्सिमम सब्सिडी देती है 20,000 रुपीज़ का, 10,000 रुपीज़ पर किलोवाट आवर बैटरी पे देती है और आप मैक्सिमम ले सकते हैं 20,000 रुपीज़ तक की सब्सिडी। S1 प्रो की बैटरी कैपेसिटी है 2.98 किलोवाट आवर की, मतलब कि 2 किलोवाट से ज़्यादा की है, तो आपको मैक्सिमम सब्सिडी आपको 20,000 के यहाँ पे मिलेगी, जिसके बाद इसकी प्राइस हो जाएगी 79,999 रुपीज़ एक्स शोरूम गुजरात में। और S1 प्रो में भी आपको मैक्सिमम 20,000 की सब्सिडी मिलेगी, यहाँ भी आपकी प्राइस हो जाएगी 1,09,999 रुपीज़, माइनस करने के बाद 20,000 रुपीज़। अब राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान गवर्नमेंट दोस्तों आपको सब्सिडी देती है 5,000 रुपीज़ पर किलोवाट आवर बैटरी कैपेसिटी पे और मैक्सिमम आपको मिल सकता है 10,000 रुपीज़ तक का, तो आपको दोनों ही इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स पे S1 और S1 प्रो में आपको 5,000 की सब्सिडी मिलेगी, जिसके बाद S1 की प्राइस हो जाएगी 89,999 रुपीज़,
S1 वेरिएंट की और S1 प्रो की हो जाएगी 1,19,999 रुपीज़। अब बात करते हैं दोस्तों महाराष्ट्र गवर्नमेंट में मिलने वाली स्टेट सब्सिडी जो कि आपको ओला पे मिलेगी। देखिए यहाँ पे आपको स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देती है 10,000 रुपीज़ की एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर आप अगर परचेज करते हैं। बैटरी कैपेसिटी भी यहाँ पे मतलब नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सीधे 10,000 की सब्सिडी मिलती है। और अगर आप 31 दिसंबर 2021 से पहले लेते हो दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और आप 1,00,000 कस्टमर्स में हो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा 15,000 की सब्सिडी और मिलेगी, मतलब टोटल आपको 25,000 की सब्सिडी मिलेगी। जिसके बाद दोस्तों ओला S1 की प्राइस हो जाएगी 74,999 रुपीज़ और ओला S1 प्रो की हो जाएगी 1,04,999 रुपीज़। अब मुझे ये नहीं पता दोस्तों कि ओला ने अपने जो प्राइस चार्ट दिखाई उसमें बस महाराष्ट्र में 5,000 रुपीज़ की सब्सिडी ली है जो कि पहले मिलती थी रिवाइज होने से पहले, लेकिन अब इसकी टोटल सब्सिडी अभी के लिए 25,000 मिल रही है 31 दिसंबर तक। अगर 31 दिसंबर के बाद दोस्तों मतलब कि 1 जनवरी 2022 से ये सब्सिडी बस आपको 10,000 रुपीज़ ही मिलेगी, जिसके बाद इसकी प्राइस 2022 से हो जाएगी 89,999 रुपीज़ और S1 प्रो की हो जाएगी 1,19,999 रुपीज़। अब बात करते हैं दोस्तों ओडिशा की। ओडिशा गवर्नमेंट ने 27 अगस्त को अनाउंस किया अपनी नई EV पॉलिसी और यहाँ पर वो मैक्सिमम सब्सिडी दे रहे हैं 5,000 रुपीज़ की एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर। जिसके बाद दोस्तों S1 की आपकी सब्सिडी हो जाती है टोटल 94,999 रुपीज़ शोरूम ओडिशा में प्राइस और S1 प्रो की हो जाएगी 1,24,999 रुपीज़ 5,000 सब्सिडी की बात। उसके बाद दोस्तों 4 सितंबर को असम स्टेट गवर्नमेंट ने भी सबसे अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अनाउंस कर दी है जहां पे वो सब्सिडी दे रहे हैं मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ पर किलोवाट आवर की और मैक्सिमम सब्सिडी आपको असम में मिलेगी 20,000 रुपीज़ तक की। मतलब कि S1 और S1 प्रो दोनों ही 2 किलोवाट से ज़्यादा आवर की बैटरी के साथ आती है तो आपको मैक्सिमम 20,000 सब्सिडी दोनों ही वेरियंट्स में मिलेगा। जिसके बाद S1 की प्राइस हो जाएगी दोस्तों 79,999 रुपीज़ असम में एक्स शोरूम और S1 प्रो की हो जाएगी 1,29,999 रुपीज़ एक्स शोरूम असम में। उसके बाद लास्ट है दोस्तों मेघालय। यहाँ की दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट की थोड़ी पॉलिसी अलग है, यहाँ पे आपको 10,000 रुपीज़ पर किलोवाट आवर पे सब्सिडी मिल रही है। अब यहाँ पे मैक्सिमम कैपिंग कहीं भी मेघालय की मैंने पूरा पढ़ा डॉक्यूमेंट वहाँ पे मैक्सिमम कैपिंग नहीं है कि कितनी मैक्सिमम तक मिल सकती है, लेकिन फर्स्ट 3,500 टू व्हीलर जो लेंगे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर व्हीकल कस्टमर्स बस उन्हीं को ये इंसेंटिव मिलेगा। तो जिसके बाद आपको जो S1 है उसमें आपको 2.98 किलोवाट आवर की बैटरी आती है और 10,000 पर किलोवाट के हिसाब से आप लगाएंगे 29,800 की टोटल सब्सिडी आपको मेघालय मिलेगी S1 वेरिएंट पे। जिसके बाद दोस्तों इसकी प्राइस जो हो जाती है वो हो जाती है 70,199 रुपीज़ और S1 प्रो में दोस्तों इसकी बैटरी कैपेसिटी है 3.97 किलोवाट आवर तो इसमें आपको टोटल सब्सिडी मिलेगी 39,700 रुपीज़ का और जिसके बाद इसकी एक्स शोरूम प्राइस मेघालय में हो जाएगी 90,299 रुपीज़। अब इन स्टेट्स के अलावा आप किसी और स्टेट से हैं दोस्तों तो जो एक्स शोरूम प्राइस है 99,999 रुपीज़ S1 के लिए आपको पे करना पड़ेगा और S1 प्रो के लिए 1,29,999 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, बाकी सारे स्टेट्स के लिए इतने ही एक्स शोरूम प्राइस होगी। और अगर कोई नया स्टेट यहाँ पे ऐड होता है सब्सिडी के लिस्ट में, कोई नया स्टेट यहाँ पे भी पॉलिसी अपनाता है तो उसके बारे में अपडेट आएगा तो मैं आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। सो उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।